हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूं ऑल न्यू टाटा सफारी 2023 फेसलिफ्ट टॉप एंड मॉडल डीजल वेरिएंट। तो आज जो है हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं। तो जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं वीडियो में। तो ये है 2 लीटर टर्बोजेट क्रायोटेक डीजल इंजन जो आता है 170 PS एंड जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 350 Nm एट 15,000 RPM। तो अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में। तो यहाँ पे आपको न्यू पैरामेट्रिक ग्रिल्स मिल जाएगा एंड सिग्नेचर फ्रंट एंड टू एंड LED DRS विथ सीक्वेंशनल इंडिकेटर्स। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स विथ कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। अब टायर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 19 इंच स्पाइडर एलॉयस विथ टायर साइज ऑफ 245x55 एंड देन आपको कैप्टन साइड डोर एंड को पैसेंजर साइड डोर पे सफारी का बैजिंग मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ORVMs में 360 कैमरा आपको दोनों साइड पे मिल जाएगा। एंड ऊपर मिल जाएगा आपको आइकॉनिक रूफ रेल्स विथ पैरानोमिक मूनरूफ। एंड देन अब आते हैं पीछे साइड में। पीछे में भी आपको सिग्नेचर एंड टू एंड टेल गेट विथ टेल लाइट्स एंड सफारी का बैजिंग, टाटा का बैजिंग विथ रेयर व्यू कैमरा। अब अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो 7 सीटर में, जैसे कि आप सबको भी पता ही होगा, 7 सीटर्स में तो बूट स्पेस होता है नहीं। तो इस गाड़ी की बात करूं, अगर सारे लोग बैठ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा बूट स्पेस अराउंड 70 लीटर्स का। और अगर लाइक 4 लोग ही जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हैं, तो बूट स्पेस आपको लास्ट का फोल्ड करके, लास्ट के सीट्स फोल्ड करने से आपको 450 लीटर्स तक बूट स्पेस मिल जाएगा विथ सेम हैरियर की तरह जेस्चर बूट ओपन करना एंड क्लोज करने का। अगर आपके हाथ में वेट है या सामान है एंड यू कैन नॉट ओपन, तो आपको वो जेस्चर का मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले आप जैसे देख सकते हैं, ये पूरा इंटीरियर जो है ऑयस्टर वाइट एंड टाइटन ब्राउन के थीम के साथ बनाया गया है। एंड इसका स्टेयरिंग जैसे आप देख सकते हैं, ड्यूअल टोन स्टेयरिंग है विथ इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो। और इसके सीट्स जो हैं ऑयस्टर वाइट लेदर सीट्स। एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा विथ पार्किंग एंड ऑटो होल्ड। और फ्रंट में आपको सेम हैरियर के जैसे ही रफ रोड, वेट रोड एंड नॉर्मल रोड्स के ऑप्शंस, टेरेन मोड्स ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड उसकी के आगे वायरलेस चार्जिंग विथ USB चार्जिंग एंड 45 वॉट्स फास्ट चार्जिंग का भी मिल जाएगा। एंड बैक साइड में भी आपको दो, एक USB चार्जिंग एंड एक 5 वॉट का चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा विथ फ़ोन रखने का एरिया। एंड सीट्स तो काफ़ी प्रीमियम है एंड ऑल द हार्ड प्लास्टिक एंड डोर्स, एवरीथिंग इज़ प्रीमियम। और इस गाड़ी में आपको टोटल 8 AC वेंट्स मिल जाएंगे, फ्रंट में 4, मिडिल रो में आपको 2 AC वेंट्स और लास्ट रो में आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे। एंड कितने स्पीड पर रखना है वो भी कंट्रोल्स आपको बैक में, फ्रंट में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको इसमें हिल होल्ड कंट्रोल विथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। एंड इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको टोटल 10 स्पीकर्स मिल जाएंगे। अब इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 31.24 सेंटीमीटर्स का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगा, जिसमें आपको एलेक्सा एंड नेटिव वॉइस असिस्टेंस मिल जाएगा विथ ऑल द फीचर्स ऑफ कार सेटिंग्स,
व्हीकल इंफॉर्मेशन, मूड लाइटिंग, मल्टी कलर्ड मूड लाइटिंग के साथ, एंड 360 डिग्री कैमरा व्यू जो काफ़ी स्मूथ है यूज़ करने में, नो लैगिंग एंड ऑल, एंड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये सब आपको मिल जाएगा। एंड स्टेयरिंग के सामने जो स्क्रीन है उसमें आपको ऑल द वार्निंग्स, वार्निंग डिटेक्शन एंड सीट बेल्ट अलार्म, जो यूजुअली अगर कोई भी रो में बैठा है, एवरी सिंगल रो का सीट बेल्ट अलार्म है इफ़ एनीवन इज सिटिंग। एंड सीट्स के एलोकेशन के हिसाब से आपको पता चल जाए कि लोग लाइक वेयर पीपल आर सिटिंग विथ सीट बेल्ट वार्निंग्स। अभी अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप के तरफ से टाटा सफारी को 5-star रेटिंग मिला गया है फॉर द सेफेस्ट SUV, और इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिल जाएगा जिसमें नी एयरबैग भी इंक्लूडेड है। और इसमें आपको मिलेगा 360 सराउंड व्यू सिस्टम जहाँ पे आपको 360 डिग्री में पूरा क्लियर व्यू दिखेगा फॉर द टर्निंग्स, एंड अगर कोई आ रहा है पीछे से वो सब आपको पता चल जाएगा। एंड एडवांस ESP विथ 17 फंक्शनैलिटीज़, आपको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको वहाँ पे मून रूफ के स्विच के पास आपको ई कॉल एंड बी कॉल मिलेगा। ई कॉल इज़ फॉर इमरजेंसी सर्विसेज एंड बी कॉल इज़ फॉर अगर आपका गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो गया तो आपको बी कॉल दबा के टाटा सर्विसेज को कॉल करके आपका इंफॉर्मेशन लोकेशन बता सकते हैं। और इसमें और भी मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल, EPB विथ ऑटो होल्ड, ISO फिक्स, ऑल डिस्क ब्रेक, फ्रंट LED, फॉग लैम्प विथ कॉर्नरिंग फंक्शन, 3-point सीट बेल्ट विथ रिमाइंडर ऑन ऑल रोज, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग असिस्ट वाया सेंसर्स एंड कैमरा, ऑटो डिमिंग IRVM, पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम। तो कुछ ये सब आपको एज ए सेफ्टी टाटा सफारी में मिलता है। टाटा सफारी के 5 वेरिएंट निकले हैं, स्मार्ट वेरिएंट, प्योर वेरिएंट, एडवेंचर वेरिएंट, डार्क वेरिएंट और एकम्प्लिश्ड वेरिएंट। रिव्यू के लिए जो वेरिएंट यूज़ किए हैं आज हम, वो है एकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट। तो दोस्तों, जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था इस वीडियो में दे दिया हूँ। अगर आपको और कुछ फीचर्स के बारे में जानना हो या कुछ भी पूछना हो तो इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और मैं आपको उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कोई और फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें अगर आपको मेरा काम पसंद आया, एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।